वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। मटर पनीर सभी को बहुत पसंद आता है, अलग अलग तरीके से सभी इसे बनाते हैं। तो आज मैं अपने तरीके से आपको मटर पनीर बनाकर दिखा रही हूँ, जो कि काफी टेस्टी और काफी यम्मी होने वाला है और सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाते हैं मटर पनीर। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पनीर। मटर पनीर के लिए देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए है। ये है हमारा सरसों का तेल, ये 2 गिलास 600 ml के करीब पानी है, और 3 से 4 बड़ी प्याज हैं जो कि मैंने रफली चॉप की है, और ये हमारी एक बड़ा बाउल मटर, फ्रोजन मटर है ये, और ये 500 ग्राम पनीर, पनीर को भी मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसीज में चॉप कर लिया है। ये टमाटर है 4 से 5, इसे भी हमने रफली चॉप किया है। कुछ धनिया की पत्तियां हैं, इसे भी हमने रफली चॉप किया है। 10 से 15 लहसुन की कलियां हैं और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने रफली चॉप किया है। 4 हरी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच से कम 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से कम बिल्कुल नाममात्र के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सफेद नमक और 1 से 2 चम्मच के करीब साबुत हरा धनिया, 1 चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं मटर पनीर। देखिए, सबसे पहले हमने एक कुकर लिया है और कुकर के अंदर मैं 600 ml पानी डाल रही हूँ। एक बाउल मटर है, मटर को हमने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया था, और मटर को भी हम कुकर में डाल देंगे और चम्मच से हिलाते हुए दोनों ही चीजों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक लिया है और हम यहाँ पर जरूरत के हिसाब से ही इसमें नमक डालेंगे और कुछ देर के लिए ढक कर के पकाएंगे, जब तक कि मटर थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। कुकर को हम दूसरी गैस के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे और जब तक हम मटर पनीर के लिए तड़का तैयार करेंगे। आप देख सकते हो मैंने एक फ्राई पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। फ्राई पैन में थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। आप सरसों के तेल की जगह कोई और तेल यूज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें रफली चॉप किए हुए लहसुन और अदरक को डाल देंगे। साथ ही साथ में इसमें साबुत हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, साबुत हरा धनिया डालेंगे और सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो कि सभी चीजें यहाँ पर लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें रफली चॉप की हुई प्याज डाल रहे हैं और सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को भी हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। जब तक हमारी प्याज हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक हम चम्मच से हिलाते हुए इन्हें इसी तरह से पकाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी प्याज हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है, हल्की हल्की पिंक हो गई है। अब हम इस स्टेज पे इसमें रफली चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें लगभग 1/2 कप के करीब पानी डाल रहे हैं, साथ ही साथ 1/2 चम्मच के करीब नमक भी डाल देंगे, जिससे कि सभी चीजें बहुत जल्दी से पक जाएंगी और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। सभी चीजों को कवर करके कुछ देर के लिए पकाएंगे। अब हम ढक्कन हटाते हुए तड़के को चेक कर रहे हैं। तो अभी हमें तड़का अच्छे से तैयार नहीं दिख रहा है, तो हम इसे कुछ देर के लिए दोबारा से ढक करके पकाएंगे। आप देख सकते हो मैं चम्मच से दबा करके सभी चीजों को चेक कर रही हूँ, जो कि अभी अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। सभी चीजों को हम चम्मच से दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और उलट पुलट करेंगे, ताकि हमारी सारी चीजें जल्दी से पक जाए। अब हम कुछ देर के लिए इन सभी चीजों को दोबारा से ढक करके पकाएंगे, जब तक ये सारी चीजें अच्छे से तैयार न हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपको मटर दिखा रही हूँ।
मटर भी कितने अच्छे से पक रही है। हमें 70-80% के करीब मटर को पकाना है। और साथ ही साथ अब हम तड़के को चेक कर रहे हैं। देखिए कुछ देर हो चुकी है, ढक्कन हटा करके हम तड़के को चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा तड़का बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। चम्मच से हिलाते हुए सभी चीज़ों को दबाते हुए हम चेक कर रहे हैं कि तड़का हमारा परफेक्ट तैयार है या नहीं। तो आप देख सकते हो हमारा तड़का अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करेंगे। यहाँ पर तड़का ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसे एक मिक्सी जार में डालेंगे। यहाँ पर हमने सारा ही तड़का एक मिक्सी जार में डाल लिया है और इस तड़के को हम हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। गैस पर हमने एक कुकर को चढ़ा दिया है और कुकर के अंदर हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, हींग डाल रहे हैं, 2-3 तेज पत्ते डाल देंगे, 2-3 लाल मिर्च डाल देंगे। साबुत लाल मिर्च हम इसमें डाल रहे हैं, या आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए लाइट गोल्डन करेंगे। अब हम इसमें जो हमने तड़का तैयार किया था उसका पेस्ट डाल रहे हैं। आप बिल्कुल धीमी आंच पर बिल्कुल धीरे धीरे इस पेस्ट को डालिएगा ताकि पेस्ट ज़्यादा उछले नहीं तो ये आपकी स्किन पे कहीं भी लग सकता है और आप जल सकते हो। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा चम्मच के करीब हम इसमें देगी मिर्च डाल रहे हैं। देगी मिर्च से कलर बहुत सुंदर आता है, आप इसे डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। और हल्की सी हमने इसमें हल्दी डाली है और सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हो कि हमारी ग्रेवी का कलर कितना सुंदर आया है। तो हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाने वाले हैं। ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इस स्टेज पे इसमें मटर डाल देंगे। जिस पानी के अंदर हमने मटर को पकाया था हम उसी पानी को इसके अंदर डाल रहे हैं। सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और आप नमक मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। अब हम इन सभी चीजों को कुछ देर के लिए ढक करके पकाएंगे। देर हो चुकी है, अब हम ढक्कन हटा करके सभी चीजों को चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि सब्जी हमारी कितने अच्छे से पक रही है। चम्मच से हिलाते हुए मैं सभी चीजों को अच्छे से चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि सब्जी कितने अच्छे से पक चुकी है। अब हम इस स्टेज पे इसमें रफली चॉप किए हुए पनीर के टुकड़े डाल देंगे। आपने ध्यान दिया हो, मैंने इसमें कोई भी खड़ा मसाला यूज नहीं किया है। अगर आप खड़े मसाले यूज करना चाहते हो तो जिस टाइम पे हमने इसमें तड़के को तैयार किया है लहसुन और अदरक को डाला है, उस टाइम पे आप इसमें 4-5 लौंग, 6-7 काली मिर्च और 1-1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची इसमें डाल दीजिए और सभी चीजों को जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरीके से पकाइए। आपके खड़े मसाले के साथ मटर पनीर तैयार हो जाएगा जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होने वाला है। यहाँ पर मैंने सभी चीजों को अच्छे से चम्मच से हिला दिया है, सभी चीजों को मिक्स कर दिया है और कुछ देर के लिए हम इसे खुला ही पकाने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसमें आधा कटोरी के करीब पानी और ऐड कर रही हूँ और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप मटर पनीर को अपने स्वाद के अनुसार पतला या गाढ़ा रख सकते हो। आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें अमचूर डाला है। अमचूर भी बिल्कुल होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आपको आगे कभी दूंगी। सभी चीजों को हमने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया है और कुछ देर के लिए हम इन सभी चीजों को ढक करके पकाएंगे। कुछ देर हो चुकी है, अब हम ढक्कन हटा करके सभी चीजों को चेक कर रहे हैं। तो देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। आधा चम्मच के करीब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला बिल्कुल होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख करके बना सकते हो। धनिया की कुछ पत्तियाँ हम इसमें डाल रहे हैं
और सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा मटर पनीर बिल्कुल बनकर के तैयार है और कितना ये परफेक्ट तैयार हुआ है आप देख सकते हो। आज मैंने आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल मटर पनीर बना करके दिखाया है जो कि सभी को बहुत पसंद आने वाला है। गरम मसाला डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे ढक दीजिए ताकि उसका फ्लेवर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने मटर पनीर को पूरियों के साथ सर्व किया है। आप इसे पूरी, नान, चावल या फिर रोटी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो और सभी चीज़ों के साथ ये काफ़ी टेस्टी लगता है। देखिए मटर पनीर देखने में कितना यम्मी दिख रहा है, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा मटर पनीर बनकर के तैयार है और देखने में कितना लाजवाब दिख रहा है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने इसे गर्मा गर्म चावलों के साथ सर्व किया है। आप इसे रोटी, परांठा, पूरी, नान, चावल या फिर किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका मटर पनीर कैसा बना और आपने किस चीज के साथ इसे सर्व किया। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।